हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। मैं प्रियंका गुप्ता आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ गृह व्यवस्था के प्रमुख पद के बारे में। गृह व्यवस्था के प्रमुख पद कौन हैं? तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गृह व्यवस्था के प्रमुख तीन पद होते हैं जिससे एक सुंदर गृह व्यवस्था का निर्माण होता है। वो तीन पद है नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो ये तीन पद है इनका गृह व्यवस्था में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे नियोजन का क्या रोल है कि जब नियोजन क्या है, जब किसी कार्य को हम करने से पहले एक योजना बनाते हैं कि उस कार्य को हम कैसे करेंगे या कौन कौन से चरण इस कार्य के अंतर्गत आएंगे जिनसे हमको गुजरना है, तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग होती है जिसको हम योजना भी कहते हैं। सेकेंड में नियंत्रण। नियंत्रण क्या है, जो भी हमने अपने कार्य को करने के लिए या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम एक योजना बनाते हैं और उस योजना को फलीभूत करने के लिए उस पर क्रिया करते हैं। नेक्स्ट वन है मूल्यांकन। मूल्यांकन से आशय है कि हमने जो प्लानिंग कर ली, इस योजना बना ली और उस पर क्रियान्वयन भी कर दिया, लेकिन अब वो जो योजना बनी हुई है उसके मार्ग में या उसको सफल होने में कौन कौन सी परेशानियां उसमें आ रही हैं, उनको समझना और उन असफलताओं के कारणों को जानकर उनको वहां से डिडक्ट करना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो एक सफल प्लानिंग के लिए, एक योजना के लिए या एक सफल गृह व्यवस्था के लिए इन तीन चीजों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम इसके अंतर्गत जो भी कार्य करते हैं उसमें किसी भी योजना को बनाते हैं, उस पे उसका नियंत्रण करते हैं और साथ ही साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए उस बनाए गए प्लानिंग का मूल्यांकन भी समय समय पर करते रहते हैं। यदि उसकी लक्ष्य प्राप्ति होने में कोई भी व्यवधान आता है तो हम उस व्यवधान को खोजते हैं और उसका निराकरण करते हैं, जिससे भी एक अच्छी गृह व्यवस्था का निर्माण होता है। नेक्स्ट, गृह व्यवस्था के सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। गृह व्यवस्था के सिद्धांत क्या है? गृह व्यवस्था के निम्नलिखित सिद्धांत है, क्योंकि गृह व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो निरंतर चलती रहती है। इसमें विभिन्न प्रकार के योजनाएं बनती हैं, उन पर उनका नियंत्रण होता है और मूल्यांकन भी होता है। गृह व्यवस्था में योजनाओं के बनाने का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो गई और योजना फलीभूत हो गई। इसमें क्या होता है, एक योजना जब पूरी हो जाती है तो उसी के बिहाफ पे दूसरी योजना बनती है और इसी के क्रम में योजनाएं बनती जाती हैं और इस प्रकार से हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक करके अपनी गृह व्यवस्था को सुगम और सुव्यवस्थित बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कारण हैं या कौन कौन से सिद्धांत हैं गृह व्यवस्था के अंतर्गत। तो देखते हैं, पहला है परिवार की सभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो परिवार के सभी लोग जो हैं, परिवार के मूलभूत तत्व होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जितनी महत्वपूर्ण गृहिणी होती है उतने ही महत्वपूर्ण घर के सदस्य भी होते हैं। इसलिए इन सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी आवश्यक है। जो गृहिणी है वो कुशल होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए, तभी गृह व्यवस्था सुगम पूर्वक फलीभूत हो सकता है। तो परिवार के सभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है जो परिवार के मूलभूत तत्व होते हैं या जो परिवार के व्यक्ति हैं उनके लिए ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे वस्त्र, भोजन एवं मकान। तो कुशल गृहिणी होगी, शिक्षित गृहिणी होगी, वो अपने परिवार के सभी लोगों को वस्त्र उपलब्ध कराएगी। वस्त्र उपलब्ध कराने के साथ ही साथ उसको वस्त्र के बारे में ज्ञान भी होना चाहिए। वो ज्ञान कैसा होना चाहिए कि मौसम के अनुकूल वस्त्र हो, उचित रंगों का चुनाव हो, वस्त्र सस्ते हो और टिकाऊ हो। और भोजन के प्रोस्पेक्ट में बात करें, जो परिवार की मूलभूत आवश्यक दूसरी आवश्यकता है वो भोजन भी है। एक कुशल गृहिणी को चाहिए कि वो अपने रसोई में शुद्ध, पौष्टिक, स्वच्छ भोजन बनाए और अपने परिवार के सभी लोगों को खिलाए। इसके लिए गृहिणी को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। खाद्य पदार्थ सस्ते और पौष्टिक होने चाहिए। खाद्य पदार्थ विश्वसनीय दुकान से ही खरीदे गए हों। भोज्य पदार्थों को संभाल कर रखना चाहिए ताकि वो
अधिक समय तक चलते रहें, जैसे अचार, पापड़, चिप्स, मुरब्बे, जैम, जेली, इन सब का उचित संरक्षण का ज्ञान पेड़ी को होना चाहिए। वो भोजन के पौष्टिक तत्वों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको कम टाइम ड्यूरेशन में बनाया जा सकता है और उनकी पौष्टिकता उससे बनी रहती है। यदि हम उनको ज्यादा पका देते हैं तो उनकी पौष्टिकता या उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गृहिणी को पाक कला का विशेष ज्ञान होना चाहिए। परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी इच्छा के अनुसार भोजन होना चाहिए। गृहिणी को भोज्य पदार्थों का चुनाव करते समय मौसम के अनुसार ही भोज्य पदार्थों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट वन, मकान की बात करें तो ये तीसरी मूलभूत आवश्यकता है परिवार के लोगों की। इसके अंतर्गत जो लोग परिवार के सदस्य होते हैं, गृहिणी को चाहिए कि उनको एक सुखमय शांत वातावरण मकान के रूप में उपलब्ध करवाए, जहाँ पर वे थक हार कर अपने कार्यों से जब आए तो वहाँ पे सुख एवं चैन से आराम कर सके। इसलिए गृहिणी को उत्तम मकान की विशेषताओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। गृहिणी को चाहिए कि अपने घर की सफाई के लिए उचित उपकरणों का प्रयोग करे, जिससे उसके समय एवं श्रम की बचत हो। और दूसरा, परिवार में एक खुशनुमा माहौल बनाए रखे, जिससे परिवार के लोगों का मन प्रसन्न रहे। घर पर जो वस्तुएं हैं उनको सजा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये कुशल गृहिणी की पहचान होती है। यदि घर के सामान अस्त व्यस्त रहते हैं तो परिवार के सदस्य जो हैं उनको ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और साथ ही साथ उनमें आपसी मतभेद भी होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, विश्राम तथा मनोरंजन की। तो गृह व्यवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट हमने रखा, विश्राम तथा मनोरंजन का, इसके अंतर्गत गृहिणी को चाहिए कि अपने सभी कार्यों को पूरा करते हुए वो अपने विश्राम और मनोरंजन का भी ध्यान दे। गृहिणी के लिए उसके घर की पूर्ण व्यवस्था उसका परम कर्तव्य होता है। इसके लिए वो अपने समय और श्रम दोनों को लगाती है, जिससे उसको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। इसलिए गृहिणी को चाहिए कि अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक जल्दी समाप्त करके श्रम और मनोरंजन करे। इससे गृह व्यवस्था के कार्यों को करते समय जो गृहिणी थक जाती हैं, उनमें पुनः शक्ति एवं संचार वापस आ जाता है, और इस कारण से वो अपने अन्य कार्यों को एनर्जेटिक तरीके से कर सकती हैं। नेक्स्ट वन, कार्य को सजा से किया जाए। तो गृह व्यवस्था के अंतर्गत गृहिणी, कुशल गृहिणी अपने कार्यों को बहुत ही बखूबी से करती है। उसको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे ज्ञान, योजना, सहयोग, यंत्र एवं साधन। तो गृहिणी को अपने कार्यों को करने के लिए ज्ञान होना चाहिए, जैसे पाक कला का ज्ञान होना चाहिए, विद्युत उपकरण चलाने का ज्ञान होना चाहिए, परिवार के लोगों की रुचि का ज्ञान होना चाहिए, इत्यादि जो चीजें हैं इनको जानकर गृहिणी अपने गृह व्यवस्था को उत्तम बना सकती है, साथ ही साथ परिवार के लोगों को प्रसन्न रख सकती है। निश्चित योजना, गृहिणी को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए, जिसके कारण उसके समय एवं श्रम की बचत हो और हमें जल्द से जल्द अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। सहयोग के अंतर्गत गृहिणी को चाहिए कि उसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जिस भी आयु वर्ग के लोग उसके परिवार में हैं, उन सबको उनके हिसाब से कार्य दे, ताकि वो अपनी क्षमता के अनुसार उस कार्य को पूर्ण कर सके। इससे गृहिणी को उसके कार्यों में सहयोग भी मिल जाएगा और समय एवं श्रम की बचत होगी, जिससे वो अपने परिवार का कल्याण कर सकती है। नेक्स्ट वन, यंत्र व साधन। गृहिणी को यंत्र और साधनों के बारे में विशेष ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये यंत्र और साधन गृहिणी के समय एवं श्रम दोनों की बचत करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, ग्राइंडर हो गया, मिक्सर हो गया, इत्यादि चीजों का ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए। यदि इन चीजों का ज्ञान गृहिणी को है तो वो अपने कार्य को शीघ्र करके अपनी गृह व्यवस्था सुगम एवं सुचारू रूप से चला सकती है। गृह का वातावरण, गृहिणी का प्रथम कर्तव्य है कि उसके घर का जो वातावरण हो सुखमय हो, शांत हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो। यदि ऐसा कुछ होता है तो गृहिणी के परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आपस में रहते हैं, तो गृहिणी का ये परम कर्तव्य बनता है कि वो अपने घर से
समस्याओं को दूर रखें या परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग लेकर उन समस्याओं को दूर करें ताकि परिवार का वातावरण शांति एवं सुखमय हो। सामाजिक मेलजोल गृहिणी के परिवार के सदस्यों को चाहिए या गृहिणी को भी चाहिए कि समाज में विभिन्न कार्यक्रमों के चलते मेलजोल बनाकर रखें, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसको ज्ञान धर्म और विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेना चाहिए, इससे उसको समाज में नाम हो और ख्याति बढ़े। नेक्स्ट वन, गृह का व्यय आय के अनुसार हो। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा प्राप्त की गई आय जो है उसके अनुसार ही व्यय हो और व्यय के बाद बचत की भी प्रक्रिया उसमें सामने हो, तभी कुशल गृहिणी वही होती है जो आय एवं व्यय के संतुलन को बनाकर चलती है। ऐसा नहीं है कि जितनी आय में हम यदि उतना व्यय भी करेंगे तो हमारे घर का जो बजट है वो संतुलित बजट होके रह जाएगा, क्योंकि संतुलित बजट एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात, जितनी हमारी आय है यदि हम उसमें से व्यय करके थोड़ा बचत भी कर लेते हैं तो ये हमारा बचत का बजट कहलाता है और इस प्रकार का बजट मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आदर्श बजट साबित होता है। तो इसलिए गृहिणी को भी गृह व्यवस्था के अंतर्गत बजट का निर्माण करना चाहिए और उसके अनुसार ही आय व्यय की क्रिया करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, गृह व्यवस्था के साधन। तो गृह व्यवस्था के निम्नलिखित साधन है जिसके जरिए गृहिणी अपने गृह व्यवस्था के कार्यों को संपन्न करती है, जैसे भौतिक साधन, मानवीय साधन, सामाजिक संस्थाएं। ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। पहला भौतिक साधन। भौतिक साधन क्या होता है? ऐसे साधन जो हमें भौतिक रूप से प्राप्त हो, जैसे धन, समय एवं संपत्ति। अगर हम इनकी बात करें तो धन एक आवश्यक, धन एक महत्वपूर्ण भौतिक साधन है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। समय की बात करें तो समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते भी हैं कि एक बार जो समय चला गया वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आता, तो इसलिए गृहिणी को चाहिए कि अपने नियत समय के अंतर्गत वो अपने कार्यों को पूरा करें और अपनी गृह व्यवस्था को उत्तम बनाएं। वस्तुएं एवं संपत्ति। भौतिक साधन के अंतर्गत वस्तुएं एवं संपत्ति भी आती हैं जिनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनका हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं और अपने गृह व्यवस्था को उत्तम बनाते हैं, जैसे फर्नीचर हो गए, उपकरण हो गए। ये सारी जो वस्तुएं हैं या ये सारी जो सुविधाएं हैं हमारी गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाती हैं। नेक्स्ट वन, मानवीय साधन। मानवीय साधन के अंतर्गत मनुष्यों के क्रियाकलापों को रखा गया है, जैसे सदस्य की रुचियों अभिवृत्ति। इसके अंतर्गत परिवार के जितने भी लोग हैं कि उनको जो कार्य दे उस कार्य में उनकी रुचि होनी चाहिए, साथ ही साथ अभिवृत्ति होनी चाहिए जिससे वो अपने कार्य को जल्दी से जल्दी संपूर्ण कर सके। नेक्स्ट वन, कार्य करने की शक्ति। गृहिणी को पता करना चाहिए कि उसके परिवार के लोग किस कार्य में माहिर हैं। यदि गृहिणी अपने कार्यों को उन लोगों को उनके हिसाब से बांट देगी तो वो व्यक्ति जो है अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से उन कार्यों को जल्दी पूरा करेंगे और जिससे गृहिणी के कार्यों में तो हेल्प मिलेगी ही, साथ ही साथ उन परिवार के सदस्यों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। योग्यताएं, मानवीय योग्यताएं, योग्यताओं के अंतर्गत ऐसी योग्यताएं आती हैं जो परिवार के सदस्यों के लोगों में होती हैं। उन योग्यताओं को हम अपने गृह व्यवस्था में प्रयोग में लाकर अपनी गृह व्यवस्था को सुदृढ़ एवं मजबूत बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।